नमस्कार दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने के बाद करदाताओं के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 की अपनी आईटीआर भरने की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहली प्राथमिकता है। और जब आप अपनी आईटीआर भरने के लिए जाते हैं तो आपके समक्ष एक प्रश्न आता है कि अनुप जी, मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है, ITR 1, 2, 3, 4, और इनमें क्या बेसिक डिस्टिंग्विशमेंट है, इनमें क्या बेसिक अंतर है। तो आज की इस वीडियो से दोस्तों आपके समक्ष यही अंतर लाने का प्रयास कर रहा हूं कि कब आपको ITR 1 भरना है, कब 2 भरना है, कब 3 भरना है या 4 भरना है। तो आप इस वीडियो के थ्रू ये बात तक पहुंच पाएंगे, निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आपके लिए एप्लीकेबल आईटीआर फॉर्म असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए कौन सा होगा। तो आइए आगे लिए चलता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा दोस्तों कि डिफरेंट आईटीआर फॉर्म जो एक इंडिविजुअल या इवन HUF पर भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर भी सेम फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। वैसे तो दोस्तों ITR फॉर्म 5, ITR 6 और ITR 7 भी होता है, पर वो किसी इंडिविजुअल और HUF पर लागू नहीं होते। और ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स और HUF के लिए क्रिएट कर रहा हूं। तो यहां पर ITR 1 का एक और नाम है, सहज भी इसको बोलते हैं, और ITR 4 का भी एक और नाम है, सरल। ये दो नाम ITR 1 और 4 को रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं, लेकिन ITR 2 और ITR 3 का एज सच कोई नामकरण अभी तक नहीं किया गया है। तो हो सकता है आप कोई नाम प्रपोज करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस नाम पर विचार करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे सरल फॉर्म से, ITR 1 से। हु मे फाइल ITR 1? ITR 1 कौन भर सकता है? फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। रेजिडेंट की भी दोस्तों दो कैटेगरी होती हैं, ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो यदि आप एक पूर्णतः निवासी करदाता हैं तो आप ITR 1 फॉर्म भर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी टोटल इनकम 50 लाख हो। यदि 50 लाख से ज्यादा है तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी इनकम जो ITR 1 के लिए हो सकती है उसमें सैलरी की इनकम शामिल होगी, एक मकान संपत्ति की आय इसमें शामिल होगी, और अदर सोर्स जिसमें इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह की इनकम हो वो शामिल होगी, एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। वैसे तो दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन किसी भी करदाता को जिसको कि कृषि से भी आय होती हो उसका ये दायित्व तो बनता है कि वो अपनी एग्रीकल्चर की इनकम को भी ITR में रिपोर्ट करे। तो यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम ₹5,000 तक है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। सो टू समराइज, आई में से ऐसे सभी निवासी करदाता जिनकी आय 50 लाख रुपए तक हो, जिनके पास सैलरी से, एक हाउस प्रॉपर्टी से या अदर सोर्स में इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह से आए हो, और जिनकी एग्रीकल्चर की आय 5,000 से ज्यादा ना हो, वो ITR 1 भर सकते हैं। अब ये भी समझ लें दोस्तों कि ITR 1 कौन नहीं भर सकता। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, उसके साथ साथ ये इंटरप्रिटेशन दूंगा कि ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी। यानी कोई व्यक्ति यदि किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो व्यक्ति ITR 1 नहीं भर सकता, और ही हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर क्या होते हैं दोस्तों? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर, या ऐसी कंपनियां जिनके शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं, और इन केसेस वेयर TDS हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, जहां पर आपके कैश विड्रॉल के कारण TDS कटा हो, तो वहां पर आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। और इफ इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ESOP, कुछ एम्प्लॉयज को ESOP मिलते हैं, वहां पर एक ESOP पर टैक्सेशन का डेफरमेंट का ऑप्शन होता है, जिन्होंने वो ऑप्शन क्लेम किया हो वो भी ITR 1 नहीं भर सकते। इन हुज केस टोटल इनकम हैज एक्सीडेड 50 लाख, जिनकी दोस्तों 50 लाख से ऊपर की टोटल इनकम है, मैं पुनः रिपीट करूंगा, 50 लाख से ऊपर की टोटल इनकम है, वो भी ITR 1 नहीं भर पाएंगे। और ऐसे इंडिविजुअल या HUF जिनका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है, उनको भी ITR 1 भरने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये एक क्लैरिटी यहां तक के डिस्कशन से आती है। आइए दोस्तों अब लिए चलता हूं आपको इस पॉइंट पर, हु मे फाइल ITR 2, क्योंकि ये फॉर्म काफी प्रिवेल करता है। तो ऐसे इंडिविजुअल HUF जिनके पास में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं, और जो ITR 1 नहीं भर सकते। अभी आपने मेरे साथ सीखा
डिस्कस किया कि आईटीआर वन कौन नहीं भर सकते। तो जो आईटीआर वन नहीं भर सकते और जिनके पास बिजनेस प्रोफेशन की आय नहीं है, वो व्यक्ति को आईटीआर टू भरना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जिसके पास कैपिटल गेन की इनकम है वो सज्जन आईटीआर वन नहीं भर सकते, तो उन्हें कौन सा आईटीआर भरना है? उन्हें आईटीआर फॉर्म आईटीआर टू भरना। मैंने फिर लिखा, इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, जिस व्यक्ति के एक से ज्यादा मकान संपत्ति है उनको आईटीआर टू भरना पड़ेगा, और जिनके 50 लाख से ज्यादा की आय है उनको भी आईटीआर टू भरना है, क्योंकि उन्हें अपने एसेट लायबिलिटी का शेड्यूल देना है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी आय में किसी और व्यक्ति की आय शामिल होती है, जैसे माइनर की इनकम, स्पाउस की इनकम, सन्स वाइफ की इनकम, क्लबिंग प्रोविजंस में, वो भी आईटीआर वन नहीं भरेंगे, उन्हें आईटीआर टू भरना होगा। नेचुरली आपका ये भी क्वेश्चन होगा, अनुप जी ये भी बताइए आईटीआर टू कौन नहीं भरेगा? तो सर, ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ हु आर अर्निंग इनकम from profits and gain of any business or profession and who has income in the nature of interest, salary, bonus, commission, remuneration due to received by him or it from a partnership firm, ऐसे व्यक्ति ITR 2 नहीं भर सकते। सीधे सरल शब्दों में बोलूं तो ये बोल सकता हूं, सर यदि आप सैलरी पेड हैं और आपके पास में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं, तो आपको ITR 1 और ITR 2 में से एक फॉर्म चूज करना पड़ेगा, और जैसी भी कंडीशन एप्लीकेबल हो उस अनुरूप आपको ITR 1 या 2 में से एक फॉर्म भरना होगा। अब दोस्तों, कायदे से मुझे पहले आईटीआर 3 फॉर्म डिस्कस करना चाहिए, पर आईटीआर 3 से पहले आपके समक्ष आईटीआर 4 फॉर्म पर चर्चा कर रहा हूं कि आईटीआर 4 फॉर्म कौन भरेगा। बेसिकली ये बात आप मान के चलिए आईटीआर 3 या 4 वही करदाता भरते हैं जिनके पास बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम होती है, यानी इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन जिसके पास में होगी वो करदाता ही आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फॉर्म भरेंगे। अब आपने एक नाम सुना होगा, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन, ये एक टर्मिनोलॉजी है। इनकम टैक्स की धारा 44AD, 44ADA या 44AE में करदाता जो बिजनेस प्रोफेशन में है, वो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल रिटेल बिजनेस, कोई प्रोफेशनल जिनकी रिसीट 50 लाख रुपए तक के हो, या ऐसे व्यक्ति जो गुड्स से रिलेटेड ट्रक्स या गुड्स कैरिज व्हीकल चलाते हो, उनको 44AE में ऑप्शन होता है। तो फॉर एन इंडिविजुअल HUF एंड फर्म, यहाँ एक फर्म कैटेगरी और शामिल होती है अदर देन LLP, being a resident, जो resident हो, और ordinarily resident वाली बात करूंगा, having total income up to ₹50 lakh, and having income from business and profession which is computed under section 44AD, ADA और A, जो इन तीन section में return भरना चाहते हैं और individual हैं, resident हैं, 50 लाख से ऊपर जिनकी income नहीं है, वो करदाता सर ITR 4 भरेंगे। And the assessee who owns not more than one house property, तो मान लीजिए आप presumptive taxation में हैं, लेकिन आपकी मकान संपत्ति एक से ज्यादा है, तो सर फिर आपको ITR 4 की जगह ITR 3 भरना पड़ेगा। No brought forward carry forward of loss under any head of income, ऐसे करदाता ITR 4 नहीं भर सकते जिनके पास पीछे से कोई loss brought forward है, या जो आगे किसी loss को carry forward करना चाहते हैं, क्योंकि ITR 4 फॉर्म भी सर काफी संक्षिप्त फॉर्म है, तो इसलिए सरकार ने सरलीकरण की दृष्टि से इसमें से काफी सारे options हटा दिए हैं। तो ITR 4 फॉर्म तभी फाइल होगा जब एक रेजिडेंट व्यक्ति 44AD, ADA या AE में इनकम ऑफर करते हैं, एक से ज्यादा मकान संपत्ति नहीं है, और जिनके पास में कोई लॉस ना तो ब्रॉड फॉरवर्ड है और ना ही कैरिड फॉरवर्ड। देखिए दोस्तों, आईटीआर 4 फॉर्म कौन नहीं भर सकता, और स्पष्ट रूप से ये इंटरप्रिटेशन लाते हैं कि आईटीआर 4 फॉर्म इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, और इफ इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन द ईसॉप्स और हैज एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस भी करता है और प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, पर उनकी एग्रीकल्चर इनकम सपोज 2 लाख रुपए, तो सर उन्हें फिर ITR 4 फॉर्म नहीं ITR 3 भरना होगा। अ पर्सन विद द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ RNOR और NR, यानी जो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, वो ITR 4 फॉर्म नहीं बन पाएंगे। Having income from more than one house property, उनको भी ITR 4 form भरने का option नहीं होगा। Having income from lottery, crossword puzzle, etc., उनको ITR 4 form भरने का option नहीं होगा। And having capital gain income, क्योंकि यदि capital gain income है तो उन्हें proper schedule भरने पड़ेंगे जो ITR 4 में उपलब्ध ही नहीं, तो फिर उनको ITR 3 पर shift होना पड़ेगा। लेकिन पुनः आपको एक important बात बोलता हूँ दोस्तों, ITR 3 form जो इन सब form में सबसे बड़ा है,
आप उसमें भी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन यानी 44 AD, ADA या ए का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हमें यहां ध्यान रखनी है। आइए अब बात करता हूं आपसे हु मे फाइल ITR 3। ITR 3 कौन भर सकता है? फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड हु कांट फाइल ITR 4। अभी आपने मेरे साथ सीखा कि कौन लोग ITR 4 फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे इंडिविजुअल और HUF को फिर ITR 3 फॉर्म भरना पड़ेगा। इन दिस फॉर्म एनी रेजिडेंशियल स्टेटस मे बी ऑप्टेड एंड एनी इनकम मे बी ऑफर्ड अंडर एनी एड ऑफ इनकम। पर्टिकुलरली आप ये बात मान के चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे करदाता जिन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल, ऐसे करदाता जिन्हें एक्चुअल बेसिस पर अपनी बिजनेस की इनकम ऑफर करनी है, फॉर एन एग्जाम्पल कमीशन इनकम, ऐसे करदाता जो 44 AD, ADA या ए के ऑप्शन से बाहर जाते हैं, यानी मेनली व्यापारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग ही ITR 3 की ओर आएगा, वो भी तब जब वो 44 AD, ADA या ए से बाहर है या उसमें तो है पर उनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। तो ये ITR 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने समराइज किया। एंड माई डियर फ्रेंड्स, आई होप के मैंने यहां पर एक इंडिविजुअल HUF की दृष्टि से चारों ITR फॉर्म को एक साथ इस कवरेज में लेकर के आपके सामने रखने की कोशिश करी, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आप एक सही ITR फॉर्म चूज कर पाए। बिकॉज सही ITR फॉर्म चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका ITR फॉर्म गलत है तो आपकी ITR भरते समय की मेहनत खराब होगी, और गलती से आपने गलत ITR फॉर्म भर दिया तो बाद में आपको ITR फॉर्म रिवाइज भी करना पड़ेगा। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, यदि आपसे गलती से गलत ITR फॉर्म अपलोड हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी ITR रिवाइज नहीं कर सकते, आप एक रिवाइज ITR भी बाद में फाइल करके अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं। सो आई होप ये जो कंटेंट मैंने इस वीडियो के थ्रू शेयर किया आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय।